औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मैं वकास गौरी जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत भी तो ठीक ही हैं। कार साहब मुझसे फ़ोन आया, चाहना सी पहले मोबाइल ना लौट अश्ने होने मुंशी साहब को लौट के इतने तक बड़ा रौला बुझिया कि जनाब शहर की डडार बिड़ी गया, दो डडार बिड़े जी। डडार से पता बड़ा खतरनाक होना, हूँ जुले उस पता नहीं वहाँ लाने कि उसकी डडार बिड़िया कुछ है, तो फिर उसकी अगली खबर देने हैं। हूँ अस जनाब आई चुके हैं सुबानी सुपर स्टोर है पर हूँ अंदर जुले हैं, शायद है तो इतने ही है, कल तो हम तकड़े हैं, इसने क्या कोई सूरत हाल है। जुलने हैं जी अंदर, शायद इतने ही सीधा हूँ ओ बैठा जनाब शायद। शायद साहब अस्सलाम वालेकुम। ओ क्या हाल है सरकारो जी? ओ ठीक हो? राय साहब क्या हाल है? ठीक हो? सर ठीक है। एक क्या रोला पाई उड़ा जी? कैसे डार निकली बिड़ी गया जी? डार बिड़ी गया जी, इसकी अस्पताल जुलने जोगा इसकी ना जी। मैं ही पूछा ना जी, मैं कि इसकी मैं किता मैसेज के मैं लोड चाहिए ना। अच्छा, तो लोड चाहिए ना, तो मैं इसकी जो कीती है कॉल तो जनाब इस मैसेज को नहीं पढ़े, तो दिहाड़ी ना तो धुप्पै में आया स्पेशल, इस तरह पता लगा हसना ही पिया तो आना जी डडार बिड़िया, तो उत्थे उपर रोला पैन जी इसकी दो दो डडार बिड़े। पहले तको तुसी बिड़िया कुत्ता जी? बिड़िया कुत्ता यार ओ जनाब, बिड़िया की है ना, बिड़िया बिड़िया बड़ी मान गया। नहीं बिड़िया राय साहब चेक करिए डडार कथा बिड़िया ये बेस्ट तरीका है। क्या हाल है जी? डॉक्टर भी जरा ना आराम ना ट्रीटमेंट करी के सी। हां 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 क्या हाल है? कोई नहीं आटा मसला कोई नहीं बड़ा नहीं, शायद पता क्या डॉक्टर गड्डी आया मैं किनिया आ तो तू किन जुल ले डॉक्टर को पहले ठीक है। जे ज्यादा दर्द है, जे दर्द फील करना है तो फिर तू किन जुल ले डॉक्टर। नहीं आ मसे मसे हो जाना आता घंटा या चेक करने क्या कोई सूरत हाल बननी जनाब। इन्होंने स्टोर भी तको माशाल्लाह सुमानी सुपर स्टोर मेन बाजार रट्टा इतने आए हुए हैं, तो जनाब बड़ी जबरदस्त ना वैरायटी इतने भी लभनी है, तो ये तको जनाब हर चीज़ इन्होंने को इतना अवेलेबल है, तो बड़ा अच्छा है जनाब इन्होंने सैटअप है। सुमानी सुपर स्टोर मेन डूटी रट्टा रट्टा बच्चे मेन स्टोर है, बड़िया बड़िया अच्छिया इन्होंने वरायटियां रखी हुई हैं, तो यह तको तो होर तो रौला कौन नहीं, तो रौला शायद कि जो डार बिड़िया उस नाम है, तो वह थोड़ा पता नहीं मैं लान दौ कि मैं भी थोड़ा जहा डॉक्टर तो आई हाँ, मता कोई इलाज हो जाए इस तरह मैं चेक करना, तो फिर तुम दसना कि असी अस्पताल खड़ना जा इत ही रहसी है, दंद कढ़ना पाया पर बिड़ी गया इसकी। अच्छा हूँ जुले हैं पता नहीं लाई सकते हैं कि डडार है जेडे ना ये उत्थे सब्जी की दुकान क्या होने आए हैं जनाब? उसी अंगूरों पर आए ना तो भेजी छोड़े ने अंगूरों पर आए तो इधर भेजे ने ट्रांसफर किए ने ठीक है जी। अस जुले हैं उधर ही चेक करने कि डडार कुत्थों आया, उत्थे पहुँचने तो फिर जुले हैं। ये सरकार शायद आखना पाया कि डडार जनाब इतों अंगूर नहीं पेटी चू निकले न तो उस दुकान पास तुसा भेजे न डडार लोड़ो जी क्या डडार है अपना ख्याल रखो डडार चलो जी शायद आना शायद आने डडार उधर ले गए अंदर है आने अंदर ले गए ना। अच्छा ये टिकटॉक स्टार भी है जी, तो इसकी जनाब डडार बड़ा बसूरा बिड़िया लोहाने तो डंडारा आराम आ जासी मीठा इसका खासा ये तो क्या उनके नगे हो फ्रेश मटर सलोनिया। अच्छा अच्छा ये ना कुत्थों आए भाई और भाई कुत्थों आए हो? सलामगढ़ तो जनाब आए जनाब अंदर बड़ा माल है जी, ये हम शायद हूँ अपनी शॉपिंग करना पाया नुकदियाँ शुकदियाँ खाना पाया नुकदी शुकदी खाई गए तो फिर हम क्या करा अगला दस में जो दवाई लाई है उसने तो आराम आ ही गया ना बेहतर हो गया बेहतर है
चलो फिर शामी तक तकरे नहीं तो फिर और डॉक्टर को खड़ी है। ठीक है लो जी घर आए हैं। मसे असी बाया सी के माशाल्लाह खान साहब परसों ने इतना लगे हुए सफाई सुथराई करने पे कब्रस्तान भी साफ करी किंदा सी ने तो मैं चला गया। थोड़ी देर रस्ते शायद की जरा फोन किया डारा मैं डंग मारिया तो थोड़ा चेक कर ले गए हैं। इस वक्त की क्यों हूँ मैं घर आया तो खान साहब जनाब कम करने पे बड़ा जबरदस्त जनाब कम करने पता ही है कि इसलै गर्मी ना भी शिद्दत है और इसलै जो एंडिंग मौसम होना ना उसने बिच सप डंग डार तमूड़िया ना बड़ा जहरीला जहा डंग है। तो मैं सारे की आखना वा कि अपने बच्चों की अपने आप की सेफ रखो ता कि इस ये डंग भी जरा ना इसमें बड़ा बेसूरा होना है। तो चलो अल्लाह खैर करै तो तकने शाम तक उसी भी पोजिशन कैब है जे ठीक अल्लाह खैर कर सी। वैसे तो उसकी दवाई शवाई दी है टीका भी खिलवाई आंदा तो हूँ अगर तकने क्या सूरत हाल बननी। चलो अल्लाह खैर करै तो हम रेस्ट करो तो असं भी थोड़ा जहा तकी कार बार बस ना भी शाम का टाइम होना पे तो घर लाने बूटे तो मैं आ चलो रेहड़ी आप एक तरीका इतों मिट्टी जी कर मिट्टी जनाब खून सा कि लानी थोड़ी जी सब्जी ए जनाब अस पहुंची आए हैं इतना अस लानी जनाब हली इतों मिट्टी कटनी जी मिट्टी है ना ये हैल हली है तो यह हैल हली मिट्टी असं इस रेहड़ी बाहनी है तो फिर घर असं थोड़ी जी बागबानी करनी किचन गार्डन आखने किचन गार्डन असं लासा तो अल्लाह करा कुछ थोड़ी सब्जियां हुई जान तो यह भी बेहतरी हुई जाए। तो चलो जे कोई मौका लगा अंदर कोई टाइम ना क्योंकि हम शाम ही पैनी थी उदू दूसरी गल भी दसा कि शायद की जरा डार बिड़े ना अल्लाह किता शायद हूँ ठीक है तो उसने फोन किया से हाँ मैं डॉक्टर को गया टीका शीका लवाया तो हूँ मैं बेहतर हाँ हूँ मैं दर्द को नहीं तो शुक्रिया अदा करना सी तो हूँ असं जनाब आस्ता आस्ता मिट्टी खून सा तो फिर अंदर जुड़सा तो फिर लाने की कोशिश करने हैं। तो आज खान साहब तुसा भी खान हो तो असा भी थोड़ा बहुत कम करी किन्ने खान साहब क्या ख्याल है। हाँ नहीं है खान नहीं है खान वैसे है ये तो वैसे को नहीं है बस हाँ काम जरूरी है खुद काम करने में मजा आता है जो है ना अपने हाथों से मेहनत करना सुन्नत है। हलाल रोजी हलाल रिज़्क लो जी लो जी ठेकेदार जी क्या हाल है ठेकेदार रिया साहब जी दुआवां अपने तुसी सुनाओ ओ ठीक है तो कुधर होने है सरकार बस इथे जी अपने पिंडी के सा उधरो मुड़ी आए हां हां इधर मौसम भी थोड़ा जा खराब अपने कोई डंग डाला कोई पूंड चूंड अपने ना एड़े हां हां सप शप अपने ते ए मौसम होण शुरू इना ना ते मच्छर वगैरह भी है ए अपने ए चीजा जड़िया ना ए फिर इंदों तो बचना पैना के बच्चों की बचाओ आपू भी बचाओ ठीक है और सेहत सेट 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 सोनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो पंजाब ने सुनाओ संगियां बेलियां नी ठीक ठाक अल्लाह ने शुक्र है दुआवा ठीक होई गया जनाब। चलो जी बड़ी मेहरबानी तुसा भी टाइम दिता ते असा ही बस जनाब लगे में आखिरी ए तको बस आखिरी टाइम है ते ए तको जनाब जमीना ते खान साहब भी जनाब लगे न आखिरी मरहले च कोई साफ करने पे हो गया सर जी जज़ाकुमुल्लाह खैर जी ये बस ले चलते हैं तो फिर अब एंड करते हैं तो बाकी जनाब ठेकेदार साहब भी जा रहे कार जा रहे हो जनाब चलो अल्लाह ने खैर हो सी इंशाल्लाह मुलाकात होनी है शामी उक्का शुका पखाओ उक्का शुका हाँ क्या पकाया ने अज मेरे ख्याल शिमला मिर्च की ठीक हो गया मुर्गा पाया चलो ठीक है फिर है जी ठीक है जी गप होनी है फिर एक रेहड़ी छोड़ी सी असा भी खान साहब की भी दिहाड़ी देनी तो कम मुक्का है। लो जी रेहड़ी जा रही अंदर ता के आगे जाएगी हाँ जाएगी थोड़ा आगे हाँ मैं पकड़ता हूँ आगे ये मोड़ आ गया जी क्योंकि इस मोड़ पे पकड़ना पड़ेगा एक मिनट खान साहब एक मिनट ज़रा ठहर जाएं ये मैं
एंड करता हूँ तो फिर इसको खींचते हैं क्योंकि जोर बहुत लगेगा। जनाब असा रेडी छिकने तो मुलाकात करने तो सू। लो जी खान साहब हूँ एंड करी गए तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इन्ना की जिंदगी दे और अल्लाह इन्ना दी भी मुश्किलात आसान करन। तो इन्ना बड़ी मेहनत की है और यकीन मनो कि जी एंड दुआ दी है कि मैं इतने अज ना व्लॉग इख्तिताम करना चाहवा जी इन असा जी दुआ दी है। तो मेरी जिंदगी कल रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात हो सी एक नवे व्लॉग नाल। ये व्लॉग एक असा ना मिलने ना एक बहाना वै एक दुए नाल एक मिलने ना एक दुए की खरीद मालूम करने ना एक बहाना वै। तो मेरी तरफों अल्लाह हाफिज़ तो खान साहब एक दुआ दी है तो वह दुआ ये सारे हंसते हैं तो यह बुझो तो फिर इख्तिताम करने हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे ता हयाती अल्लाह आपको गमों से दूर रखे अल्लाह आपके घर पर खुशियाँ नसीब फरमाए अल्लाह आपके बच्चों पर खैर बरकत डाले अल्लाह आपको गमों से परेशानियों से दूर रखे। बाकी अपनी तरफ से मेरी तरफ से मैं जो मैं दो दिन मैंने यहाँ पे गुजारे हैं तो भाई साहब आपकी नीयत और खुलूस को देखकर जो मैं कह रहा हूँ वो हकीकत में दिल से ही कह रहा हूँ कि कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी मेरे सर की भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह अपना सर दे सकते हैं तो आपकी खातिर फिर और कुछ करना तो मुश्किल नहीं है। आमीन आमीन अल्लाह आपको ज़िंदगी दे से दे बेहतर होगा अल्लाह ताला। ये जो आपने जो दो दिन हमारे साथ गुजारे हैं और ये दो दिन मैं यकीन माने कि इतना अच्छा लगा है कि आपने जो मेहनत की है ये आपने पसीना अपना जो बहाया है अपनी मेहनत का और खुलूस के लिए कोई मसला नहीं हम ताबेदार खुलूस में पे देखा हमें भी जो जिनकी हमें भी जो हमें जो जिनकी जो आपने जो कब्रें साफ की हैं उन्होंने भी यही कहा है कि मजदूर को मजदूर नहीं समझना उसको हक पहले देना है। तो इंशाल्लाह हमसे कोई कमी हो रहेगी हो तो हमें माफ कीजिएगा हमारी तरफ से माफी अल्लाह इन जो ये बहुत नेक हस्तियां हैं यहाँ पे सारी अल्लाह इनको जन्नत नसीब फरमाए अल्लाह इनको कब्र के अजाब से बचाए अल्लाह इनकी कब्र खुशियाँ नसीब करें आमीन। क्योंकि कब्र पहला एज मंजिल है जहाँ जो इंसान इस मंजिल में पास हो जाता है तो आखिर मंजिल आसान होता है आमीन। इस मंजिल इम्तिहान में फेल हो जाता है आखिर तो आगे तो फिर जाना मुश्किल होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे आमीन। तो हमसे कोई गलती हो तो माफ और मिलना मिलाना रहेगा इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी ठीक है। खान साहब उन जा ही रहे इंशाल्लाह वैसे भी आएंगे बड़ा एक दर्द लाना पैगाम दिता तो यकीन करो कि बस इंसान कुछ भी नहीं इंसान सिर्फ कोशिश कर ही सकना बाकी जो भी है अल्लाह की तरफ से है उसको कोई जो है ना कर सकता है ना हटा सकता है ना डाल सकता है जो अल्लाह की रजा होती है वही होता है ठीक है। अल्लाह ने वाला है अपना ख्याल रखा है अपने इर्द गिर्द अपने भैना भैना ख्याल रखा है और सारी तरफों की गलती गुस्ताखी तो माफ करे कल एक नवे इज्जत करे जो मेरी इज्जत की तो अल्लाह आमीन 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 आमीन।